देखो यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एन फॉर विच। तो यहाँ पे हमें एक जीपी सीरीज गिवन है। जीपी सीरीज क्या है, 1 + 3 + 3² + 3³ up to + 3⁻¹ ये ग्रेटर देन 1000 है, ठीक है। तो एन की हमें लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो इस वन को हम क्या लिख सकते हैं, जो यहाँ पे वन लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 3⁻₀। तो देखो जीरो फिर 1, 2, 3 up to n-1 है, तो जीरो से स्टार्ट हो रही है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है एन, क्योंकि 0 to n-1 है, ठीक है। तो ये एन टर्म्स है और ये सीरीज है वो जीपी में, जिसकी फर्स्ट टर्म है वो वन है। और कॉमन डिफरेंस कितना है, देखो इसको इसमें डिवाइड करोगे तो कॉमन रेशियो 3 है, इसको इसमें भी डिवाइड करोगे तो 3 है, ठीक है। तो कॉमन रेशियो ऑलवेज इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब हमारे पास जीपी की जो जीपी का सम होता है, जीपी सीरीज का, वो होता है ए आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन एन सॉरी आर माइनस वन, ठीक है। तो इस जीपी सीरीज का सम क्या हो जाएगा, ए ए फर्स्ट टर्म 3⁻₀₁, आर कॉमन रेशियो क्या है 3, 3⁻ नंबर ऑफ टर्म्स भी एन है, माइनस वन अपॉन 3 - 1 ग्रेटर देन 1000, ठीक है। तो 3⁻₹n-1 ग्रेटर देन 3 - 1 2, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2000, ठीक है। तो 3⁻n ग्रेटर देन 2001, ठीक है। अब देखो अब यदि हम 3⁻⁶ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 729। और 3⁻ यदि 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2187, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू रखेंगे, लीस्ट वैल्यू, ठीक है। देखो 7 रखोगे तो इससे ये 2180 इसे ग्रेटर देना है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो नहीं सकता, जस्ट ग्रेटर देना है। तो 6 रखेंगे तो हमारे पास लेस देन आ गई इससे, तो 6 तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो लीस्ट वैल्यू क्या होगी, 7। तो जैसे यहाँ पे 3⁻₂ करोगे तो 2187 आ जाएगा, वो इससे ग्रेटर देना है, ठीक है। और यदि 6 रखोगे तो 729 है, तो वो इससे ग्रेटर देन नहीं होगा। तो एन की लिस्ट वैल्यू होगी वो होगी 7, ठीक है, इजी है।